सिंह को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, राजा सिंह को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, राजा सिंह को अरेस्ट। मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह ने एक बार फिर विवादित टिप्पणी की है। आपको बता दें कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी की है, जिससे एक बार फिर मुस्लिम समाज में नाराजगी देखी जा रही है। हैदराबाद शहर में कुछ युवक पुलिस स्टेशन के सामने पहुंच गए और टी राजा सिंह की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। काफ़ी देर तक इन युवकों ने पुलिस स्टेशन के सामने ही नारेबाजी की। हालाँकि टी राजा सिंह के खिलाफ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नांदेड़ में FIR भी दर्ज की गई है। टी राजा सिंह ने क्या टिप्पणी की थी, पहले आपको सुनाते हैं। जैसे आज बहुत हमारे हिंदू भाई बंदी होते हैं जो अजमेर दरगाह जाते हैं, अगर अजमेर दरगाह का अगर सही कोई इतिहास अगर जान ले तो चैलेंज करता हूँ, कोई वो दरगाह को फिर कभी नहीं जाएगा और सर भी नहीं झुकाएगा। जो वो दरगाह थी दिलोरी, पृथ्वीराज चौहान जी की धर्म पत्नी को सिपाहियों के सामने फेंक दिया था बलात्कार के लिए, ऐसे एक दरगाह है वो, इसकी खबर है वो। इसलिए कल का जो पिक्चर होगा, कल परसों कभी भी हो, परिवार सहित, क्योंकि आज के हर वो व्यक्ति को, हर वो परिवार को अपना इतिहास जानने की आवश्यकता है कि किन किन लोगों के बलिदान के कारण आज हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। हालांकि टी राजा सिंह की इस तरह की टिप्पणी के बाद नांदेड़ शहर के तमाम उलमा इकराम पुलिस स्टेशन पहुंचे और टी राजा सिंह के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई है। ख्वाजा गरीब नवाज की शान में जो राजा सिंह ने गुस्ताखी की है, जैसा भी मुझे 8:30 बजे के टाइम पे इस बात का इल्म हुआ तो मैं इदरीस खादरी साहब ने मुझे उससे कॉन्टेक्ट किए और बोले मामा इस तरीके से ऐसा हुआ है, आप जल्दी आ जाइए। तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोग यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ जमा हुए, मैं तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस वजह से जब से 3 घंटे से पुलिस प्रशासन से हमको ये बात का बताया जा रहा था कि ये केस यहाँ पर गुना दाखिल नहीं हो सकता, फिर SP साहब एडिशनल SP साहब ने यहाँ आकर फिर सबके तमाम लोगों की भावना देखते हुए कि वहाँ पे हैदराबाद के अंदर के पुलिस स्टेशनों के नंबर सर्च करने के बाद फिर उसके बाद में यहाँ पर हमसे कहा कि हम आपका कंप्लेन लेने के लिए तैयार है, आप कंप्लेन कौन बनने वाले हैं। तो जिस तरीके से मैंने कंप्लेन पहले दिया था उस तरीके से अभी भी मैं ही कंप्लेनर हूँ और हमारे सदर साहब जो है वो साक्षीदार है और तमाम लोगों ने यहाँ पर आकर भले भाई 10 मिनट क्यों नहीं ला आकर उन्होंने वक्त दिए, मैं उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ लोगों ने घंटा भर दिए, कोई 2 घंटे दिए, पर जिस तरीके से ये एकजुटी एक मेजॉरिटी बताए तो इस्लाम के ताल्लुक से तमाम लोग एक कलमे की नस्बत पे जमा हो सकते हैं, तो 365 को मानने वाले जो ये बात कर रहे हैं तो आज उनको ये एहसास हो जाएगा कि इंशाल्लाह ताला पूरे मुल्क के अंदर तमाम लोग एक मकतबे एक फिक्र में सब जमा होकर इस तरीके की FIR तमाम लोगों में हिम्मत और ताकत आना चाहिए और हमारे साथ में यहाँ पर तमाम पार्टी के, कांग्रेस, राष्ट्रवादी के और तमाम जितने भी लोग आए, हमारे वकील पूरे हजरात जितने थे वो लोगों की सपोर्ट में हमने आज तकरार दिए FIR फाड़ के लिए। हम तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और DSP साहब, एडिशनल SP साहब और PI साहब का, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अभी बज रहे हैं 1:30, जब से हम 8:30 बजे से आए थे और हमको इस वजह से हमको ये खुशी हो गई कि तमाम लोग एक साथ आकर एक मंच पे यहाँ जी काम को अंजाम दिए, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हम पार्टी के हमारे जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पे ये जो काम करते हैं, हमको जब भी कुछ काम रहेगा तो इंशाल्लाह ताला हम कौम की खिदमत के काम के लिए बढ़ चढ़ कर आगे रहते हैं। हम ये नहीं देखेंगे कि ईमान में और ईमान के ताल्लुक से कोई भी हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे हमारे बुजुर्गाने दीन के ऊपर, हम उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे।